हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स ऑन नई सुबह वेब रेडियो। दिस इज योर वेरी ओन आरजे साकिब रजा। एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं आपको अपनी स्पेशल क्रिकेट ट्रांसमिशन में बउनवान जीत का जोश। जीत का जोश में हम आ गए हैं आपके साथ एक बार फिर जनाब आरी। हमारा साथ रहता है रोजाना 3 से 4 क्रिकेट के सिलसिले में, ICC T20 वर्ल्ड कप के सिलसिले में ये साथ रहता है, आज भी रहेगा इंशाल्लाह। वर्ल्ड कप में हल्ला गुल्ला चल रहा है, मस्ती मजाक हम बना रहे हैं पाकिस्तानी टीम को, बहुत सारी चीज़ें हैं जनाब। आज पाकिस्तान के लिए क्या होने जा रहा है वर्ल्ड कप में, क्यों हंसी मुझे क्यों आई, ये ज़ाहिर है जिस तरह की सिचुएशन बन गई है पाकिस्तान के लिए ये हमेशा ही बनती है, तो ये कुछ नया नहीं है जनाब। आज एक बार फिर पाकिस्तान की नज़रें रहेंगी आयरलैंड के ऊपर कि आयरलैंड जो है USA को हरा दें। तो जनाब आज ये मैच होने जा रहा है, क्या होने जा रहा है, क्या अपडेट्स हैं इस पर भी हम बात करेंगे। क्या आज मैच हो पाएगा या बारिश की नज़र हो जाएगा आज का मैच, तो इस सब पर बात करेंगे। एहसन इकबाल भी हमारे साथ मौजूद हैं जनाब, अस्सलाम वालेकुम एहसन इकबाल, खुश आमदीद कहते हैं आपको जीत का जोश में एक बार फिर। वालेकुम अस्सलाम एंड अस्सलाम वालेकुम टू ऑल माय स्वीट लिसनर्स। उम्मीद है तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे, अपनी अपनी जगह फिट फाट जिंदगी गुजार रहे होंगे। आपके आस पास के इर्द गिर्द का मौसम खुशबाश होगा, बेहतरीन होगा। जुम्मा मुबारक तमाम लोगों को मेरी जानिब से, और इसके अलावा ईद की भी आमद आमद है, ईद की भी एडवांस में मुबारकबाद, क्योंकि मैं खुद अपना जानवर ज़िबा करने के लिए गया हुआ हूँ, तो मैं ट्रांसमिशन में नहीं आऊँगा, ईद वाले दिन पहले बता रहा हूँ। तो बहुत बहुत मुबारक हो तमाम लोगों को जिन्होंने अपनी कुर्बानी सेलेक्ट कर ली है, और अल्लाह ताला उन सब के लिए भी आसानी करे जो अभी तक कोई अच्छे सौदे के इंतज़ार में है, और अल्लाह ताला उन तमाम लोगों को भी तौफीक अता फरमाए जिनके पास अभी इस्तेदाद नहीं है। सो मेरे ख्याल से ईद के लम्हात हैं बेहतरीन और ख़ुशी के लम्हात हैं, हमारा एक बेहतरीन सा त्यौहार है जिसमें एक रूहानी सी कैफियत होती है। तो इसके अलावा अगर हम बात करें वर्ल्ड कप की, तो वर्ल्ड कप की जी सरगर्मियाँ भरपूर तरीके से जारी हैं, पूरे आबोताब के साथ जो है वो T20 वर्ल्ड कप अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ में जारी और सारी है, इसके ऊपर भी बातचीत होती रहेगी। फिलहाल आप लोगों के लिए ये है कि आप लोग हमें कमेंट कर सकते हैं, किस तरह कर सकते हैं, वही facebook.com/naisubahinstitute, और इसके अलावा आप हमें WhatsApp पे कॉल कर सकते हैं 0330860072 पर। साकिब क्या ख्याल है, ईद की ट्रांसमिशन भी हमने नई सुबह वेब रेडियो पर लाइव आना है और इन्जॉय करना है, लिसनर्स के साथ बहुत मस्ती मजाक करना है, जीत का जोश इसके बाद जो है वो फिर हम ईद के बाद ही मिल रहे होंगे, तो जब तक तो बहुत कुछ हो चुका होगा। ऐसा ही है जनाब, बिल्कुल मुमकिन तौर पर आज हमारी आखिरी ट्रांसमिशन है ईद से पहले, और जाहिर है एक तरफ क्रिकेट सीज़न चल रहा है और दूसरी तरफ ये ईद का त्यौहार आ रहा है जिसको हम जाहिर है सेलिब्रेट करते हैं, और क्यों ना करें भाई, ये तो हमें दीन ने ये त्यौहार दिए हैं ईद उल फितर ईद उल अज़हा, इसका रंग ही कुछ और होता है। तो बिल्कुल इंशाल्लाह ट्रांसमिशन्स में हम आपके साथ हैं, ईद के दिन भी नई सुबह वेब रेडियो पे आप सुनेंगे हमें, फर्स्ट डे सेकंड डे थर्ड डे यानी हर रोज़ हम आपके साथ होंगे। अब उसमें जो हमारा स्लोड है वो ईद के सेकंड डे है, यानी हमारे से मुराद मेरा और एहसन इकबाल का, और हमारे साथ होंगे हमारे आरजे वलीद मुग़ल। तो ये जो शो होगा वो सेकंड डे पे होगा, यानी खेल खेल की जो टीम है वो आपको सेकंड डे में मिलेंगी, तो आपने इंशाल्लाह ज़रूर उसको भी सुनना है। और जनाब ईद का सीज़न है, क्रिकेट का सीज़न है, दो दो चीज़ें साथ साथ चल रही हैं, तो इस दौरान जब हम गाना सुन रहे थे तो हमें एक कसाई मिल गए, तो ज़ाहिर कसाई मिलना बहुत मुश्किल काम होता है ईद के दिन, बहुत ज़्यादा मुशक्क़त करनी पड़ती है कसाई को ढूंढने में, और अगर मिल भी जाए कसाई तो बड़ी डिमांड होती है कसाई की, भाई मैं आपसे इतने लूंगा जानवर गिराने के, तो यार जानवर गिराना कौन सा मुश्किल काम है एहसन इकबाल, जो मतलब इतनी डीलें हो रही होती है भाई 30,000 लूंगा 40,000 लूंगा सिर्फ जानवर गिराने। साकिब कभी जानवर को हाथ भी लगाया है, गिराना कौन सा मुश्किल काम है, मैं तुम्हें गिरा सकता हूँ तो जानवर को भी गिरा सकता हूँ, आपका क्या मतलब, बातें नहीं बनाओ मुझे यार, जल्दी जाना है, जल्दी बुक करवाओ अपना जानवर को, कमाओ टाइम नहीं है हमारे पास। अच्छा अबे कसाई यहाँ पे बैठ के बातें बना रहा हूँ यार, वहाँ पे हमारी बछिया गया, रेट फिक्स हो गए, ओए ओए पहले से रेट बता दूं भाई मैं तुम्हें, भाई नखरे शुरू, भाई बड़ा जानवर होगा तो उसका हम सीधा सीधा 50,000 से 60,000 रुपया ले रहे हैं भाई, नहीं करे यार इतना क्या यार, खरीदना नहीं है, महंगाई हो गई है, 40,000 का फोटो भी नहीं मिलता इसका, 45,000 का तो मेरा जानवर है, आप 60,000 मांग रहे हैं, यहाँ पे तुम लोगों ने बुला लिया मेरा टाइम जाया, अबे ओ छोटे अबे गाड़ी निकाल बे, चल निकल यहाँ से यार, अरे अरे कसाई गाड़ी अबे क्या बात, अबे कसाई क्या ये तो बात कर रहा है, हम लोग क्या गिरे पड़े लोग हैं, अबे ये मॉडर्न कसाई आ गया 2024 का, साल में एक मौका आता है, अच्छा इसमें जितना छाप लो, मैं तो कह रहा हूँ ये छोड़िए माइक वाइक, खड़ा हो जाए मेरे साथ, अच्छा लगाता हूँ तेरे को काम पे, और बेटा
बता रहा हूँ तेरे को 25,000 रुपए पर डे दूंगा। बोल भाई, कमाल है भाई एसन, तेरे लिए तो अच्छी डील है यार। निकलो हम ट्रांसमिशन संभालते हैं। मैं मेरी माइक के साथ बहुत दोस्ती है, जानवरों के साथ तो मैं नहीं कर सकता। साकिब देखो, हर जगह जानवर ये जाते हैं, ये लोग सबसे पहले कलेजी निकाल के दे देते हैं। हर जानवर के पास जाके ना जिबा करते हैं, कलेजियां खाते हैं, एंजॉय करते हैं। जाओ भाई, बहुत मजे तो हैं। लेकिन यार मैं लेकिन ये कह रहे साल में सुन, तुम दोनों लोंडों को पाए छीलने पे लगा दूंगा, 25,000 रुपए तुम दोनों कमा लोगे। बोलो, अबे जल्दी बोलते हैं यार, टाइम नहीं है। देख अभी ऊंट वाले से भी बात करनी है, पता है 12 ऊंट काट रहे हैं, 12। ओए भाई, ये तो कसाई भाई आए कहाँ से आप? अबे इसको छोड़ दे, कहाँ से आए, कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? तो क्या पुलिस वाला है जो मेरा NIC चेक करेगा? कहाँ जा रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं? हाँ ना यार, अपना काम कर यार, जल्दी कर, जल्दी। छोटे अबे गाड़ी का AC चला के रखियो। मैं वे यार, गर्मी हो रही है, AC भी नहीं चला रहे तुम लोग। जनाब ये कसाई हमारे साथ आ गए हैं और कसाई मिलना मुश्किल है, लेकिन ये तो भाई भाई हमारे कसाई साहब बोले साल में एक बार मौका मिलता है खाल उतारने का, ये तो हमारी खाल उतारने लगे। 60,000 रुपए का एक, मतलब करना क्या होता है, इन्होंने रस्सी डाली, जानवर गिर गया। सुनो, देखो मेरे बच्चों, मैं जा रहा हूँ, ये मेरा टैरिफ रखा हुआ है, तो मैं जो जानवर काटना है एप्लीकेशन पे भी बुक करवा सकते हो, ठीक है जी। और ये मेरा विजिटिंग कार्ड है, तो बेटे मुझे इतना टाइम नहीं है कि तुम लोगों के साथ बैठ के यहाँ क्रिकेट करूँ। अबे क्रिकेट खेल के क्या मिल जाएगा तुम लोगों को? अबे जिस तरह आप अच्छा ठीक है आप अपना कार्ड रखवाइए और निकलिए, मेरा मतलब है जाइए। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 0330860072, जिस पर आप जुड़ सकते हैं। और आपकी क्या तैयारियां हैं, ईद उल अजहा आ रही है तो क्या करने जा रहे हैं, किस तरह का जानवर आपने लिया है, यानी जानवर तो जानवर होता है लेकिन यानी कैसा जानवर है, बकरा लिया है, गाय लिए, ये सब आपसे पूछते हैं। और क्रिकेट पे भी बात होगी। हमें कुछ और मेहमानों ने भी ज्वाइन कर लिया है, कसाई को भी हमने रोक लिया है, क्योंकि कसाई भाई आजकल कसाई टाइम नहीं देते इन दिनों में, तो जितना टाइम कसाई के साथ वैसे भी स्पेंड होता है बहुत मज़ा आता है, बहुत इन्जॉय करते हैं हम, तो कसाई को रोक दिया है हमने थोड़ी देर के लिए। इनसे हमारी अभी बात चल रही है कि हमारा जानवर भी इन्होंने गिराना है, तो हमारे कसाई तो पैंट कोट पहन के आए हैं। ये कौन से कसाई हैं भाई? ये मॉडर्न कसाई है यार, बहुत ही तमीज से बात कर ले भाई, कभी मेरे कपड़ों पे बात कर रहा है, कभी मुझे अबे तबे करके बोल रहा है। अबे तेरे को तमीज उमीज है या नहीं? नहीं भाई, अभी इन दिनों में अल्लाह का शुक्र है, हलाल का कमाते हैं बेटा, इन कमाया है जब ही कोट पैंट पहन के बैठा हुआ हूँ। नहीं आप गाड़ी का AC चालू रखियो बे, आप तो लाल लाल कमाते हैं, जानवर का खून निकाल निकाल के पैसे हैं यार। कहाँ यार, ये 60,000 कोई मतलब क्या यार, कोई जानवर ही गिराना है यार, 5,000 डॉलर नहीं लेते ये डॉलर। मेरे पास जो है इतना टाइम नहीं है, ये टैरिफ दे दिया, ऊंट के दाम है पूरे 1,00,000 रुपए। अच्छा ठीक है, और ये जो बछिया की गाय की बात कर रहा है, जानवर की बढ़ेगी, ये दरमियाना जानवर है 60 का। अबे चल भाई, अबे ये तफरी करने बिठाया तुम लोग ने मुझे? हाँ यार, हम मुर्गे की कुर्बानी कर रहे थे, हमने तो रेट ले रहे ना, हम रेट में चूजे का। बुरा मत बनाएगा अंकल के साई, सॉरी आपका नाम क्या है? नाम तो पूछा ही नहीं हमने। पुराने चप्पू का भाई पप्पू कसाई तो नहीं है? ओए, अब इसकी गुद्दी लाल कर दे भाई। नहीं मुझे नहीं, मुझे लाल नहीं करवानी। मैं जो है अपने कॉलर की तरफ बढ़ रहा हूँ। हमारे साथ मौजूद है हसनैन अब्बासी साहब। अस्सलाम वालेकुम हसनैन अब्बासी साहब, कैसे मिजाज है, खैरियत से हैं, ठीक ठाक है भाई? वर्ल्ड कप चल रहा है, कैसे मतलब इंजॉय कर रहे हैं इस बार क्रिकेट सीजन को? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल वर्ल्ड कप को तो एंजॉय कर रहे हैं, और एज पाकिस्तानी फैन कैसे एंजॉय कर रहे होंगे आप मुझसे बेहतर जानते हैं। और आज एक अहम मुकाबला भी है पाकिस्तान के लिए, जी जनाब, आयरलैंड और अमेरिका के दरमियान है। अच्छा आपको क्या लगता है आज के मैच में, क्या बारिश जीत जाएगी या कुछ चांसेस हैं, मतलब आयरलैंड हरा देगा आज मैच होगा? पहले तो ये बताएं मैच हो भी रहा है कि नहीं? अगर सीरियस तरीके से देखा जाए तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम डिजर्व नहीं करती कि हम इसके उसके सहारे पे जाएं, क्योंकि हमें भी उतने ही मौके मिले थे जितने कि अमेरिका, इंडिया या आयरलैंड या और किसी और को। जब हम खुद कुछ नहीं कर सकते तो फिर हम डिजर्व नहीं करते। आज आप देखें कि वेस्ट इंडीज, अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका और इंडिया, ये 6 टीमें अगर आप देखें और ये किस तरह से क्रिकेट खेल रही हैं, तो ये वाकई डिजर्व करती हैं। और ये 6 की 6 टीमें ऑफिशियली क्वालिफाई कर चुकी हैं सुपर 8 के लिए।
अच्छा जनाब, बरल मतलब डिज़र्व तो हम भी कह रहे हैं कि पाकिस्तानी टीम नहीं करती, लेकिन आपका क्या ख्याल है, आपको क्या लगता है कि मतलब पाकिस्तान आज पाकिस्तान के हक में आज सिचुएशन बन रही है कि बस अब हम अपने रिश्ते मतलब तोड़ दें पाकिस्तानी टीम से? नहीं देखें, अभी मैं लाइव देख रहा था वहाँ पे, तो वेदर फ्लोरिडा का इस तरह से है कुछ के आप अभी तो वहाँ पे कड़क धूप है और बारिश के कोई इम्कान नहीं है, तो उम्मीद यही कर सकते हैं कि मैच होगा भले कोई भी जीते, लेकिन मेरा मानना यही है कि मैच होना चाहिए ताकि क्रिकेट एंजॉय करने का मौका मिले भले उसमें कोई भी जीते, लेकिन बारिश से मैच मुतासिर नहीं होना चाहिए। अच्छा ओवरऑल क्या लगता है वर्ल्ड कप में आप किन दो टीम्स को फाइनल में देख रहे हैं? देखें मेरे हिसाब से तो एक वेस्ट इंडीज की टीम है क्योंकि कंडीशन उनके लिए और सेम है और T20 क्रिकेट को वो अलग ही लेवल पे आके खेलते हैं, और दूसरा आप ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड में से किसी को रखेंगे, और एक मैं आपको अगर बताऊं तो सेमीफाइनल में हमारे पास अगर अफगानिस्तान सेमीफाइनल खेलता है तो ये कोई शॉकिंग बात नहीं होनी चाहिए हमारे लिए, क्योंकि उनकी टीम भी अब बहुत अच्छी है क्योंकि उनका स्पिन बॉलिंग अटैक बहुत बेहतरीन है और वेस्ट इंडीज में आप देख रहे हैं कि स्पिनर्स को पिचेस ज्यादा सपोर्ट कर रही हैं। बिल्कुल बस हमें भी मौका दे दें यार हसनैन से बात करने का। अच्छा हसनैन, बहुत ज़बरदस्त आप बात कर रहे हैं, मुझे सिर्फ आपसे ये जानना था कि आयरलैंड जैसे फुल मेंबर टीम है एसोसिएट टीम नहीं कहा जा सकता उसे, और यूएसए जो है वो एसोसिएट टीम है, ऑल दो पाकिस्तान को हरा चुकी है और इंडिया को इतना टफ टाइम दिया था कि सबके सामने ही है, तो आपको क्या लगता है कि आयरलैंड के लिए मुश्किल नहीं होगी यूएसए को जो है वो हराना? जी बिल्कुल, आयरलैंड को मुश्किल होगी और मुझे तो अभी भी ये चांस लगता है कि अगर मैच हुआ तो यूएसए के 70-80% चांस हैं कि वो आयरलैंड को हरा देंगे। oh एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं जो कि इंडिया की तरफ से अंडर 19 खेले हुए, और कोरे एंडरसन को कौन नहीं जानता जिन्होंने शाहिद खान अफरीदी साहब का रिकॉर्ड सेंचुरी लगा के तोड़ा था। बिल्कुल ऐसा ही है। चलें हसनैन, और कुछ कहना चाहेंगे हमारी ट्रांसमिशन के हवाले से, कुछ कहना चाहें तो कोई गाना वाना सुनना चाहते हैं तो बताएं। बहुत जबरदस्त ट्रांसमिशन कर रहे हैं और आपने सबको जमा किया हुआ है, इस तरह क्रिकेट पे बात होनी चाहिए भले पाकिस्तान की परफॉर्मेंस कुछ भी रहे, लेकिन ये क्रिकेट का फेस्टिवल है, मेला है, इसको एंजॉय करना चाहिए। बिल्कुल जनाब, बहुत शुक्रिया हसनैन, आते जाते रहिएगा जब तक क्रिकेट अलाइव है, जब तक T20 वर्ल्ड कप चल रहा है तब तक हमारी ट्रांसमिशन भी जीत का जोश जिंदा है और पुरजोश है, तो शामिल होते रहिएगा हमारे प्रोग्राम में। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, अल्लाह हाफिज़। राइट जनाब, ये थे हमारे साथ कॉलर प्लस कसाई, मतलब के सब कुछ के, बहुत अच्छा लगा इनसे बात करके। इसके अलावा हम अगर बात करें आज के जो बाकी मैचेस हैं, बल्कि हम जो प्रीवियस मैचेस हुए उनकी हम बात कर लेते हैं। इंग्लैंड वर्सेस ओमान का मैच खेला गया जिसमें इंग्लैंड को मेरे ख्याल से उम्मीद भी थी कि बहुत ही अच्छे रन रेट के साथ वो अपना मैच विन करें, और बिल्कुल ऐसा ही हुआ कि उन्होंने जो है वो 47 रन पर ओमान की पूरी टीम को बाहर कर दिया, यानी ऑल आउट कर दिया 13 सम ओवर्स में, और उसके बाद फिर जो 47 रन का हदफ था वो 3.1 ओवर में, हालांकि दो विकेट इंग्लैंड ने अपनी गवाई हैं इन तीन ओवर्स में, दो विकेट इंग्लैंड ने अपनी गवाई हैं, लेकिन उन्होंने ये सोचा हुआ था कि उन्होंने तेज खेलना है, तो 50 रन उन्होंने बनाए तीन ओवर्स में 50 रन बनाकर अपनी दो विकेट गंवाकर जो है वो मैच 8 विकेटों से विन किया, और पीछे उनके पास तकरीबन 17.5 ओवर्स यानी 18 ओवर्स पूरे मौजूद थे, तो इससे इनके रन रेट को बहुत बूस्टअप मिलेगा। मुझे नहीं पता कि इंग्लैंड क्वालिफाई कर पाता है या नहीं, बहरहाल इंग्लैंड को भी मुश्किल का सामना है, और न्यूजीलैंड और युगांडा का आज मैच है जो कि ये चीज़ कन्फर्म कर देगा कि न्यूजीलैंड अपने रन रेट की बुनियाद पर भी पहुँच पा रही है या नहीं पहुँच पा रही। फिलहाल न्यूजीलैंड का कोई चांस नज़र आ नहीं रहा दूर दूर तक। अफगानिस्तान की टीम ने सुपर 8 के लिए क्वालिफाई कर लिया, ये बहुत बड़ी न्यूज़ थी मेरे लिए पर्सनली, क्योंकि अफगानिस्तान की टीम को मैं इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इस तरीके से वो आगे आएंगे, लेकिन PNG के साथ जो उन्होंने किया है 100 रन पर उनको रोक कर और फिर 3 विकेटों के नुकसान पर वो 100 रन स्कोर किए, तो बहुत अच्छा सब कुछ चल रहा है। हमारे साथ एक और एनालिस्ट मौजूद हैं, मिस फरियाल, अस्सलाम वालेकुम। मिस हाँ जी वेलकम, बहुत शुक्रिया। ये हम आपको बताते चलें कि ये फीमेल क्रिकेटर भी हैं माशाल्लाह से, स्पोर्ट्स खेलती हैं, तो एथलीट हमारे साथ मौजूद हैं, क्रिकेट के ऊपर ज़्यादा अच्छे से बात कर सकती हैं। बताइएगा मिस, वर्ल्ड कप आपने फॉलो किया, क्या लग रहा है, क्या सीन है ये? मेरी तो कुछ मसरूफियात थी पिछले दिनों ओलंपिक्स में, मैं मेरे ट्रायल मैचेस चल रहे थे तो मैं उसमें बिजी थी, ज़्यादा फोकस तो नहीं कर पाई, लेकिन मैं जितना मुझे टाइम मिला जैसे कि हमने पाकिस्तान के साथ US का मैच देखा, फिर उसके बाद इंडिया के साथ, तो परफॉर्मेंस कुछ खास नज़र नहीं आई। जहाँ तक मेरा ख्याल है कि टीम को फोकस करना चाहिए सबसे पहले फिटनेस, और उनको चाहिए कि जो खिलाड़ी हैं ना वो अच्छे से, मतलब जैसे आज़म खान जैसे अगर खिलाड़ी हो तो आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान कैसे विन कर सकता है, उससे चला नहीं जाता, तो मुझे आप बताएं कि वो किस तरह से खेलेगा,
फील्डिंग के बहाने वो डाइव लगा रहता है, मतलब यार कुछ सोचना चाहिए। बर्गर खिलाया उनको थोड़े नहीं, वही मैं देख रही थी कि पूरा सोशल मीडिया इस पर बात कर रहा था, तो ये सिर्फ खाने आए थे, ये इंसल्ट की बात है कि हमें फोकस करना चाहिए अपने खिलाड़ियों के लिए, सिलेक्शन से पहले देखना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है जनाब, हम भी यही बात कर रहे हैं कि जो हम डिनर्स और इन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं एज़ कम्पेयर टू जिस तरह हमें क्रिकेट पर फोकस करना चाहिए। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, माशाल्लाह से आपका अपना भी क्रिकेट का एक पूरा सफ़र चल रहा है, अल्लाह ताला आपको मज़ीद तरक्की दे, कामयाबी दे। क्या ख्याल है साकिब, गाना चाना सुना रहे हैं? तुम्हारा नाम लिखने की इजाज़त छिन गई जब से, राइटिंग ख़राब थी आपकी, तुम्हारा नाम लिखने की इजाज़त छिन गई जब से, कोई भी लफ्ज लिखता हूँ तो आंखें भीग जाती हैं भाई, कोई भी लफ्ज लिखता हूँ तो काम पे टांग जाती है। जनाब ऐसा इकबाल भाई, क्या चल रही है ये, क्या चल रही है? मैं तुम लोग टाइम पर बात कर रहा हूँ मेरा भाई, नहीं कसाई करो भाई, कसाई साहब अबे ना खिला रहे हो ना पिला रहे हो, बैठ के यहाँ पे मस्ता रहे हो, क्या हो क्या रिया ये भाई, रंगीन मिजाज कसाई लगते हैं, इनसे डर लग रहा है मुझे, ये कसाई मुझे लग रहा है कि ये मतलब ऑर्डर्स तो ले लेंगे, मिनरल वाटर की बोतल वोटल मंगाओ भाई, ये सादा पानी नहीं पीता भाई, मुझे लग रहा है ये ऑर्डर्स ले रहे हैं और जब ईद का दिन आएगा ये शार्ट हो जाएंगे मार्केट से। अच्छा एक मिनट, पहले हम अपने लिसनर्स को बता दें, लिसनर्स यहाँ पर कौन कौन मौजूद है हमारे साथ, हम लोगों ने बस यानी कि सिर्फ तलाई नाम का तारुफ नहीं हुआ था, तारुफ नहीं हुआ था, और मैं बताना चाहूंगा लिसनर्स के यहाँ पर मैं भी मौजूद हूँ जो रोज आप सुनते हैं ट्रांसमिशन में, मैं हूँ, मेरे साथ भी मैं हूँ, और नई सुबह वेब रेडियो पर आप जीत का जोश की ट्रांसमिशन सुन रहे हैं, और ब्रेक से हम वापस भी आ चुके हैं। T20 वर्ल्ड कप जारी है और हाँ ना, तो होना पड़ता है ना थोड़ा सा यार, मैं बताना तो चाहिए ना कि मैं भी मौजूद हूँ। लिसनर आप लोग जल्दी से मैसेज करें, कांटेक्ट करें, कॉल करें, जल्दी से आएं, फीडबैक दें, कैसा जा रहा है वर्ल्ड कप, आप लोग सुन रहे हैं। हाँ जी, ये कसाई भी मौजूद है, इनकी भी बुकिंग कर लें। अगर कसाई की बुकिंग नहीं करनी है, अपने जानवरों की बुकिंग करवा, जानवरों की बुकिंग करनी है। अच्छा किस तरीके से कर सकते हैं, नंबर आप लोगों को मालूम है फिर भी बताई देते हैं, 0330860072। ये कसाई का, और 4 बजे के बाद, तो 4 बजे के बाद कसाई चले जाएंगे, तो 4 बजे से पहले पहले आपने कॉल करनी है क्योंकि ट्रांसमिशन एंड हो जाएगी, और हमने इनको ट्रांसमिशन के लिए बिलखसूस बुलाया था। अब बुलाया किस तरीके से था ये हम बता नहीं सकते क्योंकि इस तरह के हाथ में आने वाले नहीं थे। चप्पू भाई आप नहीं आ रहे थे तो हमने सोचा के खरीद ले, तो पूरी फैक्ट्री खरीदी थी कसाई की, तुम लोगों ने क्या तुझे सा बुला लिया, बस चप्पू भाई आप हमसे जुदा हो गए तो हमने सोचा कि आपकी जॉब किसी और को थमा दें दिल आखिर। यार ये छनी क्या, तुम लोगों ने मेरा दिल नहीं खरीदा यार। चप्पू भाई हम 3 दिन से हलकार हो रहे हैं, हमें नींद नहीं आ रही, आप नहीं आ रहे हमारी ट्रांसमिशन में यार। नहीं नहीं ये कसाई बहुत मुश्किलों से घेरा है, आपको क्या पता, ऊँट गिरा छोटे मोटे नहीं है, यहाँ पे बैठे हुए, यहाँ पे बैठ के बातें बना रही है, कहाँ से बोल रही है, कौन है भाई ये? अबे तू चुप कर भाई, तेरे को मैं अभी 2 मिनट में खरीद लूंगा बेटा, 2 मिनट में सिरपा अलग करके हाथ में दे दूंगा बेटा जवान। अबे तू है कितने का ये बता मेरे को, अबे मैं कितने का, क्या विवाद है, मेरी बोली लगा रही है अबे, अबे कहाँ बुलाया तुम लोगों ने, अबे मैं जानवरों का बोल लिया है, मेरी बोली लगा रही है ये। अबे इसका नाम क्या, मेरे को नाम बता, मैं नाम से खरीदूंगा इसको। अबे तेरी ऐसी की तैसी नाम से खरीदूंगा, अबे कहाँ से बोल लिया है ये, मैं तो मुंह से बोल लिया बेटे, तू कहाँ से बोल लिया। अबे ये पकड़ में, अबे हट में, चल में, मैं जा रहा हूँ, छोटे गाड़ी स्टार्ट कर में। अबे मैं तो मुंह से बोल लिया, तू कहाँ से बोल लिया, किसको बुला लिया मैं, अबे अरे 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 तू कहाँ से बात नहीं करता भाई, मैं धंधा करते हैं। चप्पू भाई यार रुक जाए ना, मैं इनको खरीद के दे दूंगा आपको, आप नहीं खरीदे, आप खुद पे अभी टेंशन क्यों ले रहे हो, तुम लोगों ने अच्छा नहीं किया यार, मतलब 2-3 दिन में क्या अमेरिका घूम गया था, तुम लोगों ने तो उसको बुला लिया। यार मैं क्या बताऊं आपको चप्पू भाई, बहुत अशद जरूरत थी, ईद के दिनों में सबकी कंप्लेन आ रही है, जो हमें कॉल कर रहा है वो कह रहा है वर्ल्ड कप को छोड़ो, अभी पाकिस्तान टीम वैसे ही परफॉर्म नहीं कर रही, हमारे बकरे बहुत परफॉर्म कर रहे हैं, इनको काटना है। वाह 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 क्या बात है सर इकबाल, बाबर आजम को बोलो बेटे पहले दिन की 3 गाय गिरा ले, टेंशन नहीं ले इसको, बोलो वापस आ जाए, बाबर आजम खुद गिर गया, उसने क्या गाय गिरानी है, आप छोड़े, अब मैं सोच रहा हूँ आजम खान को बुला लेते, अच्छा कसाई होगा वो, मैं तो कहता हूँ जावेद मियांदाद को बुला लो फिर से वापिस, शायद कुछ 6 छक्के मारे, जावेद मियांदाद के दांत भी नहीं है तो गोश्त भी नहीं खाएगा, वैसे अच्छा फायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा।
हाँ वो खड़े खड़े छक्के मार देगा वो तो। सही बात है। और सुनाए चप्पू भाई, वर्ल्ड कप चल रहा है अमेरिका में, क्या मजा मजा आ रहा है आपको? नहीं कोई नहीं चल रहा, वहीं खड़ा है भाई, स्टेडियम में जाता हूँ वहीं खड़ा रहते हैं, वर्ल्ड कप कोई चलता ही नहीं है। चलता ही नहीं है तो मजा नहीं आ रहा? नहीं नहीं मतलब मैं चलता हूँ, वर्ल्ड कप नहीं चलता भाई। अच्छा आपको अमेरिका में मजा आ रहा है कोई, मतलब पार्टी वार्टी हुई है? मैंने अमेरिका में ना वो काठियावाड़ी छोले खाए। अरे नहीं करो, वो लिबर्टी चौक पे। हाँ लिबर्टी चौक पे जो लियारी है ना वहाँ पे भी मिल रहे थे काठियावाड़ी छोले, और साथ में वो कड़क डबल रोटी भी थी। हमारे लिए पार्सल ला रहे हैं? हमने वहाँ से लाते लेते खराब हो जाएंगे भाई, यहीं से कोई प्रैक्टिस वैक्टिस खरीद लेंगे, चने की पे कर लेंगे कुछ। अच्छा यहाँ पे मतलब उनका परमिट लेके आएंगे, यहाँ पे ब्रांच बनाएंगे पूरी? अबे यहाँ से वहाँ गए भाई, काठियावाड़ यहाँ पे ना काठियावाड़ क्या हो गया? मुझे क्या पता आप कहाँ गए, मैं क्या क्या बोलते रहते हैं, हमें तो हम गरीबों को पता ही लगता आप क्या बोल रहे हैं। मैं वॉशिंग मशीन की टन वो नहीं था, वॉशिंगटन डीसी, वॉशिंग मशीन में बैठे हैं। हाँ मैंने व्हाइट हाउस भी खरीद लिया। व्हाइट हाउस खरीद लिया, चले बेहतरीन हो गया। चप्पू भाई बहुत मजा आया यार, आप हमारे साथ एक बार फिर मौजूद है, बहुत खुशी हुई, हमने बहुत सारी अभी बातें करनी है। चप्पू भाई आपके लिए शेर है, हाल दिल हम भी सुनाते लेकिन जब वो रुखसत हुआ तब याद आया। बेटे मैं कोई लड़की थोड़ी था जो रुखसत हो गया मेरे को, क्या बोल लो चप्पू भाई, आपने रुखसती ले ली थी तो 3 दिन के लिए। यार तो वो असल में ना मेरे को वर्ल्ड कप सामने बैठ के देखना था ना, मैंने बोला यार ये लोग तो कुछ करेंगे नहीं, मैं खुद जाके इनको देख लेके आ जाऊँ बस। अकेले आप अमेरिका घूम रहे हैं, वॉशिंगटन डीसी घूम रहे हैं, वॉशिंगटन डीसी, ड्राई डीसी, स्त्री डीसी, सब डीसी, सर बैटरी पे चल रहा है। ABC ABCD ABC नहीं उल्टा है, DC है, पहले DA फिर C है। अच्छा चप्पू भाई आज हमें फरियाल ने भी ज्वाइन किया है, फरियाल को क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो भाजी, ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह। ये कान में जो बूंदे पहने हुए ये नकली है असली है? बिल्कुल असली है, नकली नहीं पहने। असली है, असली मैं सोने के भिजवाऊं। अमेरिकन अमेरिकन सोना लेके आओ आपके लिए। मेहरबानी मेहरबानी। आप ये बताएं आप वर्ल्ड कप देख रही हैं? नहीं देखने के काबिल है। हाँ अच्छी बात है, यही मैं कहना चाह रहा था, देखने की जरूरत नहीं है, कुछ कुछ हो ही नहीं रहा। हाँ बिल्कुल हो ही नहीं। इससे ज्यादा बेहतर फोकस करें आप गाय भैंसों पे, इन्वेस्ट करें उस पे। चार बकरे जरूरत नहीं, आप घर बैठ जाएं। चार बकरे, 2 गाय और 300 मुर्गियां ले लें और फिर उसको उनकी परवरिश करें। हाँ तो मुर्गियां कसाई करने के लिए यहाँ हमने रख दिया है। कसाई ये कसाई 2 नंबर है भाई, मैं लेके आऊंगा मेरे घर से ओरिजिनल कसाई। हमारे पास बहुत अच्छा है, वो बकरे बकरे नहीं जस्ट मुर्गी काटते हैं। नहीं बता तो रहा हूँ, ये कसाई 2 नंबर है, दो दो हाथ कर लूँ मैं। आ भाई आ जरा बात कर ले भाई, कौन है तू, क्या नाम है, क्या तेरा शजरा है, नसब है, जरा बता दे जरा। अमेरिका से जापानी कसाई लेके। अबे ओ लाइजेरिया के, अमेरिका, तूने अमेरिका देखा कभी? लाइजेरिया में बैठ के बातें बतिया रही है। अबे अबे तबे ना करियो, बता रहा हूँ गुद्दी लाल कर दूंगा मैं, यहाँ तेरे लेंडो की भी गुद्दी लाल कर दी थी मैंने, ये बता रही हूँ मैं तुझे। अबे पान ठोक ठोक के बेटा, ये हाथ का चमाट ही काफी है बेटा तेरे लिए, उठकर पानी न मांगे तू। अबे ये चप्पू है, लग भी चप्पू ही रहे, ये लगेगा भी चप्पू। ए देख भाई, आप पान की तारीफ करें, वो एनर्जी देता है इनको। देख भाई, अबे जलता है मेरा बुगदा, समझा? सही है बेटा, वो जब जला हुआ बुगदा पड़ेगा ना तो पता चल जाएगा तुझे। अच्छा भाई ये मुझे जोर से शेर आ रही है, जरा तू अपना नाम वाम तो बता जरा सही। अबे तो तेरे अब्बा का नाम क्या है? अच्छा चल बे, तेरे अब्बा का नाम पप्पू है, बस चप्पू तो तेरा अब्बा पप्पू। अबे भाई सुन ले भाई, बड़ी जोर से आ रही है, सुन ले। अबे आ रही है ना जा रही है, खड़े खड़े मस्त आ रही है, पप्पू का लौंडा बड़ा शर्मा रही है, समझा भाई? चल बेटे चल, तुझसे मिलेंगे, चल शाबाश, चल बेटा आगे पीछे हो जा जल्दी से, अभी मुझे जरा घाक घेरने दे, अभी मुझे जरा बुकिंग करनी है। और तू लेंजेरिया के भी जानवर पकड़ लियो भाई, कमीशन मिल जाएगा 25,000 पर डे। नहीं नहीं मेरे को भी अब शेर आ रही है। हाँ बोल दे। ये मौसमी कसाई है,
और ये मौसमी कसाई है और ये जनजनत भाई है, हर भेंदर भाई है। अबे ओ, अबे जरा जबान संभाल लियो बेटा, जद्दी पिछली गांव में हमारा मौसमी कसाई। अबे साले तुम लोग उठकर आ गए ये क्रिकेट के अंदर और क्रिकेट लेके अबे साला बल्ला पकड़ाएगा भी तो अरे लोंडो ने। अबे अबे बकवास नहीं कर, मैं बता रहा हूँ तेरे को, मेरे को रोना आ जाता है, मैं बता रहा हूँ तेरे को, मैं दफा हो जा यहाँ से। चल भाई चल, अरे चल पकड़ भाई गाड़ी का ऐसी, चल वहां में जा रही हूँ भाई। भाई सोने का कड़ा कोने में पड़ा, चप्पू भाई को सुना तो मैं रोने पड़ा, नहीं मैं हंसने पड़ा। चप्पू भाई तुम्हें खरीद लेंगे जाने। चप्पू भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमें ज्वाइन किया आपने हमें। वॉशिंगटन डीसी से कुछ मंगवाना है, व्हाइट हाउस से कुछ मंगवाना है, रेवड़ियां मंगवानी है, रेवड़ियां। अबे वो लाइब्रेरी से कोने में से गजक ले आई हो, वो ही काफी है अमरीका। अबे तेरे बड़ों ने भी देखा अमरीका। अच्छा ये बताओ ये करा जा रही है, फरंगियों में जाके बैठ गया क्या? ये बताओ न्यूयॉर्क की रेवड़ियां चलेंगी या ये उसकी एले की? न्यूयॉर्क की चाहिए, सही है, यहाँ पे वो इश्फाक रेवड़ी वाला है, उसके उससे लेके आऊंगा। इश्फाक या मुस्तकीम? नहीं नहीं इश्फाक रेवड़ी वाला है ना भाई। अच्छा बड़ी 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 दुकान है उसकी। चले चप्पू भाई रेवड़ियां जरूर लाइएगा। बिल्कुल सुबह बात होती, मेरी तो यहाँ पे रात हो रही है, तुम्हारे वहाँ पे सुबह हो रही होगी ना? हाँ नहीं हमारे पास तो अभी शाम हो रही है, तो बस हमारे भी आम हो रही है। ओके ओके चप्पू भाई, अभी आप आम एंजॉय कीजिए। जनाबे आली ये थे चप्पू भाई, और चप्पू भाई आज हमारे साथ कॉल पे मौजूद थे और कसाई भी मौजूद है जनाब। और अब वक्त आया चाहता है कि हम आपसे इजाजत चाहें, उससे पहले हम आज के मैचेस के ऊपर बात कर लेते हैं। न्यूजीलैंड वर्सेज युगांडा, बहुत खतरनाक मैच न्यूजीलैंड के लिए, अगर बहुत अच्छे रन रेट से जीतने में कामयाब होते हैं, जो कि ऑब्वियसली बात हो जाएंगे, लेकिन थोड़ा मुश्किल भी लगता है। युगांडा ने एक मैच विन कर रखा है ऑलरेडी, तो देखते हैं क्या होता है इस मैच में, और यही एक वाहिद मैच है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस की का हामिल है। इसके अलावा पाकिस्तान के लिए आयरलैंड वर्सेज यूएसए का मैच बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑल दो उसमें मैचेस की चांसेस 90%+ हैं, तो मे बी उसमें बारिश की चांसेस जो है वो 90+ जो है उसकी परसेंटेज है, कभी 91 हो जाती है, कभी 98 हो जाती है, तो ये चल रहा है सब सिलसिला, फ्लक्चुएशन हो रही है, बट ये है कि मैचेस का होना बहुत ज़रूरी है पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और यूएसए के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। यूएसए का आखिरी मैच है, अगर वो इस मैच को विन कर जाते हैं तो ऑब्वियस ही बात है बगैर किसी रन रेट के तमाशे के वो सीधा सीधा सुपर एट में क्वालिफाई कर जाएंगे, और वो वाइट टीम होगी जो फर्स्ट टाइम आई और एज एसोसिएट टीम आई और उसके बाद जो है वो सुपर एट में क्वालिफाई कर गई। तो अगर मैच होता है तब भी बहुत इंपॉर्टेंस है इसकी, और अगर मैच नहीं होता है तब भी यूएसए ने तो अल्टीमेटली चले ही जाना है, लेकिन पाकिस्तान के लिए फिर अल्लाह हाफिज़ हो जाएगा और पाकिस्तान के लिए फिर हम फातिहा पढ़ेंगे मिलकर। इससे पहले कि ऐसा वक्त आए हम अपनी ट्रांसमिशन को वाइंड अप करते हैं, साकिब आपने आखिरी कलमात और उसके बाद फिर हम इजाज़त चाहते हैं। जनाब आपने जिस तरह बताया आज के मैचेस के हवाले से और वर्ल्ड कप में क्या कुछ होने जा रहा है, पाकिस्तान के लिए दुआ करेंगे हम यकीनन। आज बैठेंगे जब मगरिब के बाद मैच का आगाज़ हो रहा होगा, तो मगरिब की नमाज में जब हम बैठेंगे तो ज़रूर पाकिस्तान के लिए अल्लाह से रो रो के दुआ करेंगे कि भाई वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को किसी तरह सुपर एट में पहुंचा दे, क्योंकि ये टीम शायद दुआओं से ही आगे जाती है, परफॉर्मेंस से तो आगे नहीं जाती, परफॉर्मेंस से तो आगे बिल्कुल भी नहीं जाती। तो ये कि बहुत सारी दुआओं की ज़रूरत है पाकिस्तानी टीम को, तो आप सब ने भी दुआओं में ज़रूर ज़रूर याद रखना है। बाकी हमारे साथ कसाई भी मौजूद थे आज की ट्रांसमिशन में, बहुत मज़ा आया कसाई के साथ हमने बात की, और कसाई के साथ हमारी डील चल रही है, अल्लाह करे ये सस्ते में मान जाए। तो फाइनल क्या कहेंगे कसाई साहब? अरे देखो भाई टाइम लगा, मेरा जानवर तो मुफ्त में कर रहे हैं ना आप। अबे चल बे मुफ्त में कर रहे हैं तो फिर क्या मतलब, आप मुझसे भी पैसे लेंगे यार। बेटे तुम दोनों के लिए 10,000 रुपए कम कर दिए, 50,000 में तुम लोग का जानवर गिरा देंगे इंशाल्लाह। और देख लो भाई सिर्फ आधा घंटा होगा, आधे घंटे में जो करवाना है करवा लेना, जो करवाना है मतलब। अबे जानवर की बात कर रहे हो, फिर बकवास कर रहे हैं यहाँ पे बैठ के। अच्छा जी ये थे हमारे कसाई साहब जिनसे हम जानवर गिरवाएंगे इंशाल्लाह, बहुत मज़ा आने वाला है इस ईद पर, आपने हमें अपनी खुशियों में ज़रूर याद रखना है, आपने कुर्बानी का गोश्त भी हमारे घरों में पहुँचाना है। तो जनाब बहुत सारी चीज़ें हमारे साथ, फरियाल भी मौजूद थी, फरियाल कैसा लगा ट्रांसमिशन में आके और आपकी क्या तैयारियाँ हैं ईद पर? तैयारियां तो माशाल्लाह बहुत अच्छी चल रही हैं, ट्रांसमिशन भी माशाल्लाह लशपश चल रहा है, और इसके अलावा पाकिस्तान के लिए तो यही कहेंगे कि भाई
दुआ हम करेंगे, दवा तुम कर लेना। अरे क्या बात है भाई, जनाब जनाब बहुत ही ज़बरदस्त बात फरियाल ने कही। और बस इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए दुआएं हैं। और तलहा इनाम आज हमारी आखिरी ट्रांसमिशन है, यानी ईद से पहले आखिरी ट्रांसमिशन है। अगली दुआ करने लगा था आपके लिए साकिब। अगली जो मुलाकात है हमारी लिसनर्स के साथ वो इंशाल्लाह ईद के बाद होगी, लेकिन हमारी इस दौरान आप ट्रांसमिशंस मज़ीद जो ईद के सिलसिले में वो भी इंजॉय करेंगे। तो बहुत कुछ है, नई सुबह वेब रेडियो आपने बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, लगाए रखना है, इंजॉय करते रहना है हमारी ट्रांसमिशंस को, हमारे शोज़ को। तो लेकिन ये क्रिकेट की जो ट्रांसमिशन है ये अब दोबारा आपको मिलेगी ईद के बाद। तो जनाब तलहा इनाम बेहद शुक्रिया, मुझे तो लग ही नहीं रहा था कि आज मुझे मौका मिलेगा, आपने इतने सारे गेस्ट बुलाए हुए थे। खैर मैं, बकरीद आने वाली है, इसके बाद हम जो भी ट्रांसमिशन करेंगे वो ईद के बाद सुनाई दे रही होगी जीत के जोश में। एक पैगाम मैं देना चाहूँगा, कुर्बानी की ईद आ रही है और ये ना पैगाम जब मैंने सुना मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं चाहता हूँ ये पैगाम मैं सब जगह दूँ कि हम सब के पास अपना अपना इस्माइल मौजूद है और हमने ईद पर उसे कुर्बान करना है, और यकीनन अल्लाह ताला हमारी इस कुर्बानी को कबूल करेंगे। ऐसा नहीं है कि हमने किसी को कुर्बान कर देना, लेकिन यकीनन हम समझते हैं इस बात को कि हमारे पास हमारा इस्माइल मौजूद है, वो इस्माइल जो हमें बहुत ही मेहनत से, बहुत ही दुआओं के बाद हासिल होता है, वो फल जो हमें मिलता है और उसके बाद हम उसे जब कुर्बान करेंगे तो उसका जो हमें अजर मिलेगा, जो दिल को सुकून मिलेगा ना, वो इस कुर्बानी की ईद से हमने हासिल करना है। तो इस ईद पे उन लोगों को ज़रूर याद रखिएगा जो कुर्बानी की गोश्त ख़ुद नहीं ले सकते या कुर्बानी नहीं कर रहे, मुस्तहिक हैं, दुआओं में भी याद रखिएगा और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा, नई सुबह की पूरी टीम को दुआओं में याद रखिएगा, जीत का जोश की टीम को दुआओं में याद रखिएगा और पाकिस्तानी टीम को भी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मैं देख रहा हूँ जब से ट्रांसमिशन स्टार्ट हुई है और T20 वर्ल्ड कप स्टार्ट हुआ है, पाकिस्तानी टीम का कोई अच्छा रिस्पांस नहीं आ रहा, परफॉर्मेंस अच्छी नहीं जा रही, तो उनके लिए भी दुआ कीजिएगा कि वो भी कुछ अच्छा खेलें और ग्रीन हरे झंडे की जो लाज रखें, हरे कार्ड के लिए ना घूमें। जनाब जनाब तला इनाम की जो बातें हैं, अल्लाह ताला हम सबको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और टीम को भी अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जनाब आज की हद तक इतना ही, आपसे मुलाकात हो रही है इंशाल्लाह ईद के बाद क्रिकेट ट्रांसमिशन में, एक बार फिर जीत का जोश में हम मिलेंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। बहुत सारी चीज़ें हैं जिस तरह मैंने पहले भी कहा, ट्रांसमिशन आपने सुनते रहना है, नई सुबह वेब रेडियो लगाए रखना है, लेकिन जीत का जोश की हद तक इतना ही, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी फिर। तब तक के लिए मुझे और एहसन इकबाल, तलहा इनाम और हमारे कसाई फरियाल जितने आज और रोज़ाना कसाई फरियाल मतलब कसाई साहब और हमारी जो फरियाल आज हमारी मेहमान थी, उन सब के हमरा मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात करते हैं अगले शो में। तब तक के लिए अल्लाह हामिद। नासिर पाकिस्तान।